साहब सुबह सुबह इतना ट्रैफिक रहता ना, सुबह के बजने कितने 9:30 और द्वारका मोड़ तो फुल चौक पड़ा है भाई साहब। 15-20 मिनट हो गए मुझे, मुझे बस ATM तक जाना है, कुछ कैश डिपॉजिट करना है, पिताश्री का निकाल लिया है, इनको किसी को भेजना है। मुझे भी चाहिए पिताश्री, कुछ पैसे मुझे भी दे दो, ये वाला काम करना है। उसके बाद मर्फी के लिए यार अपॉइंटमेंट ली हुई थी यार, आज मैं सोचा था कि आज करवा दूंगा यार मर्फी की हेयर कट, यार बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है, पता नहीं यार अब ये सब चलेगा तो कब होगा काम। फटाफट से जरा कैश डिपॉजिट करूं, घर जाऊं, थोड़ा तैयार हूं, मर्फी को लेके निकलूं, फिर यार बहुत सारे काम है। कैश डिपॉजिट करने का काम था यार, हुआ नहीं, बोला मशीन फुल है। अब देखो इतना सारा जाम झेल के आए थे, वापस जाओ फिर दोबारा आओ यही जाम झेल के, क्या जीवन हो गया यार। क्या घर से निकल रहे हैं अब, इसको लेके जाते हैं, 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 9:30 तो यहीं हो गए, चलना है कुच्ची। देख रहे हो इसके बाल कितने बड़े हो गए हैं, कटाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसकी आंखें नहीं दिखती ना, मेन प्रॉब्लम मेरे लिए यह है। फटाफट से निकलते हैं, चलते हैं भैया। साथ वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर, होप करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो भैया आज का जो दिन है सोमवार, मतलब आज एक्चुअली मैं शायद घर से ही काम करूँ, और मर्फी को ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यार बहुत टाइम से सोच रहा था कि करवा दूँ, एक दो बार लेके भी गया था, बट टाइमिंग की वजह से आपको पता ही है नहीं हो पाया एंड ऑल दैट, मतलब लेट इवनिंग में करते नहीं है। छोटे मोटे इन पे गया था बट वो लोग इतने एक्सपर्टीज है नहीं कि मतलब इसके बाल काट सकें, क्योंकि भैया ये बहुत शरारती है, नहीं करने देता है। तो आज मैं इसको लेके जा रहा हूँ अपने साथ जिगली। जिगली जनकपुरी में है, उनका काफ़ी ऐड देखा था, काफ़ी रिव्यूज़ देखे मैंने, इट इज़ वेरी नाइस एंड दे आर प्रोफेशनल्स एक्सपीरियंस पीपल, और भाई लेट्स सी हाउ एक्सपीरियंस दे आर। भैया हमारे तो मर्फी के बाल कटने के बाद ही पता चल पाएगा, बाकी जा रहे हैं तो 10 बजे की अपॉइंटमेंट ली थी। भैया देखो बच्चों को तो छोड़ो, अब पेट्स के लिए भी भैया अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है, अपॉइंटमेंट ली थी इसकी 10 बजे की, तो वहीं जा रहे हैं। भैया ये चलाने नहीं देता है गाड़ी, ये ऐसे ही रहता है, ये देख रहे हो ये खिड़की से बाहर देखता रहेगा, और ये एक हाथ से बस जैसे जैसे टेढ़ा मेढ़ा करके आप गाड़ी चलाना पड़ता है, भैया बहुत मुश्किल हो जाता है उसके साथ। बोला था कि यार द्वारका मोड़ का जाम अभी झेल के क्या हूँ, दोबारा झेलने आना पड़ेगा, वही हुआ, अब पूरा जाम यहीं से लगा हुआ है यार, अभी तो बहुत लंबा रास्ता है। द्वारका मोड़ का क्रॉस होगा, मेरी मर्फी देख लो बैठ गई है, अब शांति, अब ये शांति से थोड़ी देर बैठेगा, फिर इसको फिर खुराफात जाके कि फिर ये लग जाएगा बदमाशी करने में, अभी तो शांति से बैठा हुआ है। देख रहे हो ये देख रहे हो इसकी नौटंकियाँ कच्ची, अभी तो बेचारे का मुंह भी नहीं दिखता है। ओ मेरे बच्चे, आज सब ठीक हो जाएगा। मेरा कितना शरीफ बच्चा है देखो तो, इसको बस बोलते रहो थोड़ी थोड़ी देर में कि बैठो बैठो बैठो, चुपचाप बैठा रहेगा। भाई ये कौन सी गाड़ी है, मतलब ये किस तरह का मौसम बना रही है। अरे अंकल ये देख रहे हो भैया, दिल्ली वाले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ भी चल रहा है, मतलब ओहो इसने तो बारिश करा दी, तो लड़ाई हो गई, लड़ाई के चक्कर में पूरा जाम लग गया, गाड़ी वाले ने स्कूटी वाले को टच कर दिया, भाई साहब हंगामा हो गया तगड़े वाला, तो मार पिटाई पे चालू हो गया भाई साहब, मार पिटाई हो गया तगड़े वाले। साथ बड़ा बुरा हुआ, मतलब जो गाड़ी चला रहा था ना एक्चुअली उसकी नई गाड़ी थी, देखो नई गाड़ी वाला हमेशा बचा के चलता है यार, वो कभी किसी को टच करने की कोशिश नहीं करता, बट स्कूटी वाले ना यार कई बार मैंने देखा है कि ना बिल्कुल इतना खराब चलाते ना, मतलब थोड़ी जगह मिलेगी ना घुसेड़ देंगे, ये नहीं देखेंगे यार पीछे वाला किस स्पीड से आ रहा है, और भाई ये टच हो गया देख लो यार, मतलब बंदा हट्टा कट्टा था वो पूरा फैल गया भाई, दम मारने वरने लग गया यार, दिस इज नॉट गुड यार। मतलब ठीक है तुम कमज़ोर को दबा रहे हो, तुम मजबूत हो तो, बट इतना भी नहीं करना चाहिए यार। बाकी इसको देख रहे हो, ये देख लो, ये इसको बाहर ही देखना होता है, इस चक्कर में भाई साहब इसने पूरा धुआं उठा रखा है, चिपू। यार ये टेक्निक है तो अच्छी, मतलब पेड़ पौधों को डालने के लिए, बट यार एक दिन करोगे दो दिन करोगे उसके बाद फिर वही हाल हो जाएगा। साथ मैं पहुंच गया जिगली, जो कि है आपका जनकपुरी में, मर्फी को लेके। सब इतना वेल डेकोरेटेड एरिया है ना, इसको देख लो, ये तो लग गया अपने काम पे, इसको स्मेल आ रही होगी ना दूसरे डॉगीज की भी, देख लो। टाइसन वालों ने यहाँ पर भी नहीं छोड़ा, पेट के लिए भी निकाल दिया भाई साहब, बहुत कॉस्टली होगा भाई, ये तो रुक ही नहीं रहा है, ये तो पूरे स्टोर पे घूम रहा है।
फोर मंथ्स का ऑलमोस्ट। क्या है? मम्मी बुला रहा है। डॉगी ग्रूमिंग चल रही है वैसे तो। सो क्यूट यार। देखो अब तेरा नंबर भी आएगा बेटा, रुक जा बस। कुछ डॉग्स कितने शांत होते हैं, आराम से नहा लेते हैं, खा लेते हैं। अभी मेरे वाले का देखना, इतना उछलेगा ना पूछना। मतलब भाई मर्फी के लिए चले गए। अब इन्होंने बताया कि देखो जो मैं शैम्पू यूज़ करता हूँ ना वो ये वाला है एक्चुअली, बट उन्होंने बोला कि सिर्फ शैम्पू यूज़ करने से ना इसके बाल रफ हो गए हैं, तो यू नीड टू यूज़ कंडीशनर। भाई साहब अब डॉगीज के भी कंडीशनर होते हैं, देखो कैसे कैसे खड़ा है। ये देखो अब कहीं नहीं जा पाएगा। अभी तो इसकी मस्त ग्रूमिंग चल रही है, मतलब नहलाना, नहलाने के बाद कंडीशनर करना, सब कुछ करना। ऐसा पेट्स के बिना 100 चीज़ें आ गई हैं, फुल लगे हुए हैं अभी तो। उनको देखो और देखो, कहीं बाहर के नहीं जा सकता अब तो। ये इसका फर्स्ट टाइम है ना, इतना अच्छे से फुल आंधी काट रखी है। इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं ना इनके यार, ऑसम, मतलब मज़ेदार, सेक्सी यार, सेक्सी ड्रेसेस। वो देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है, कॉस्ट देख रहे हो 500 रुपीस। इट्स कॉस्टली बट इट्स नाइस, मतलब अच्छा लग रहा है। कॉम्स पता नहीं कितने प्रकार के यार, एक से एक चीज़ है यार, मतलब इनके लिए ना पू बैग, वाटर बैग, डिस्पेंसर एंड ऑल दैट, लॉट ऑफ स्टफ्स, क्लिपर्स। और मेरी कुच्ची कुछ टाइम पे ऐसी हो जाएगी तो कितनी क्यूटी लगेगी। और मेरी कुच्ची बाबू ग्लोअर से तो चिढ़ता ही है यार। माय गुडनेस, आई एम जस्ट लव विद हिम माय सन, क्यूट लग रहा है ये। तैयार हो जाओ, घूमी घूमी चलो। लेट्स गो, इट वाज वेरी नाइस यार, मतलब मजा आ गया यहाँ पे तो। मेरी कुच्ची बुगो, कुच्ची इधर आओ। नो, मेरी पुच्ची पुच्ची है, चोनी है, चोनी चोनी तू है, मेरी चोनी कुच्ची है, ओ मेरी चोनी कुच्ची है, मेरी चोनी कुच्ची है, जिगली। मैं आया हुआ था जिगली पे एंड इट वाज रियली नाइस जनकपुरी में। भाई साहब उसकी हेयर कट वेयर कट हो गया, कुछ स्टफ्स था, मतलब स्टफ क्या मतलब खाने पीने को लेके इसके बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो जो चीज़ें नहीं थी वो चीज़ें ले ली हैं। बाकी तो भैया इसकी फेवरेट जगह पे आके बैठ गया, चलते हैं अब घर, निकलते हैं यहाँ से फटाफट। सारा ग्रूमिंग व्रूमिंग करवा के हम चल दिए, ये अपनी फेवरेट जगह पे एज यूजल बैठा हुआ है। बाकी अब होपफुली रास्ता खाली मिले तो हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। नहीं कुछ, मेरी कितनी क्यूटी पाई लग रही है लिटरली यार। इसके बाल भी ना पहले थोड़े से रफ से हो गए थे, तो उन्होंने बताया कि आप कंडीशनर यूज़ नहीं करते ना, इस वजह से जो है थोड़े से रफ से हो गए हैं, कंडीशनर यूज़ करो तो इसके बाल थोड़े से ठीक रहते हैं, पोर्स खुल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, वो सारी चीज़ें मैं आपको रास्ते में चलते चलते बताते चलूँगा। आगे फिलहाल तो अभी यहाँ से निकलते हैं। मेरी कुछ पुच्ची है, देखो आए मेरे चमक गया है अब तो, ना जो के बाल भी इसके सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए। तो इसको बोला कि अभी नमक वाली चीज़ें ना नहीं दे सकते आप, तेल तड़के वाली चीज़ें नहीं दे सकते,
चिकन विकन भी देना है तो बॉयल देना है, मतलब इसको खाने पीने का कुछ भी आइटम देना है ना तो बॉयल दो आप इसे, तेल नमक घी इन सब से दूर रखना है, और बस यही सब चीज़ें हैं यार। अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इनके साथ, और फिर आप लीवर फेलियर एंड ऑल एंड देन यू वुड एंड अप लूजिंग हिम, तो यार मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तो भैया इसको देंगे आपसे सिर्फ और सिर्फ बॉयल्ड चीज़ें, मतलब जैसे दाल भी होता है तड़के वाला नहीं दे सकते आप, बॉयल दे दो, बॉयल इज़ गुड फॉर हिम। देख रहे हो, देख रहे हो मेरी कुच्ची को, अब छोना पुट्टी लग रही है ना, छोना पुट्टी दे दे तो नहीं, नहीं देखना इधर देखना। यार उत्तम नगर में तो भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ है यार, मतलब घर पहुंचने में ना ये 5 किलोमीटर ना 50 मिनट लगा देंगे कई बार तो। बाकी कोई बात नहीं, चलते हैं इसी साथ घर पहुंचते हैं, और घर पहुंचे खाना पीना खाते हैं यार, क्योंकि खाना पीना खाया नहीं था। बस मुझे आज ये था कि आज मर्फी का जो है वैक्सीनेशन मुझे कराना ही कराना है, एनी हाउ मतलब वैक्सीनेशन बोल रहा हूँ, ग्रूमिंग करानी करानी है। आँखों के ऊपर जब बाल आ रहा था ना वो मतलब मेरे लिए इरिटेटिंग था, तो यार इसके लिए तो ऑब्वियसली इरिटेटिंग हो गई, तो वो मुझे कराना था, वो सब करवा दिया। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली, मतलब जो ये खुजली करता रहता है उसके लिए बोला कि नमक देते हो आप, तड़के वाली चीज़ें देते हो, तेल मसाले वाली चीज़ें दोगे, अभी ये खा लेगा क्योंकि छोटा है ना, तो हर चीज़ के लिए ना ये मतलब ईगर होगा कि कुछ भी चीज़ खा रहे हो तो इसको दो, बट इसको देने से ना बहुत सारे मतलब फ्यूचर में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो ये सब चीज़ों के बारे में पता चला, तो विल इग्नोर ऑल दोज थिंग्स, मतलब ये चीज़ें नहीं देंगे और मोस्टली प्रेफर करेंगे इसको बॉयल ही दें। तो यही सब चीज़ें चलते रहेंगे लाइफ में, बाकी पहुँचते हैं घर, एंड होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर कमेंट करके जरूर बताना क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा, और अगर आपको जानना है कि जिगली कहाँ एग्जैक्टली, गूगल पे है एक्चुअली में, तो बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में स्टोर का एड्रेस डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जा सकते हो, वहाँ पे पेट में जो कंसल्टेशन होती है, जो डॉक्टर बैठते हैं वो 12 बजे से बैठते हैं, तो 12 बजे से 8 बजे तक आप वो भी करा सकते हो। ग्रूमिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेके जाना भैया, बिना अपॉइंटमेंट के जाओगे खाली हाथ वापस आना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी कुछ रह गया है जो आपको जानना है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको आंसर बता दूंगा उसके बारे में। बाकी मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, टिल द टाइम स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय बाय।